डे वन रात 10 बजे से भाई क्या बोलेगा इसके इस फेस के ऊपर। आप तुम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं? मिराज भाई आप देख रहे हैं इसको, इसका फ्लेवर बताएं भाई अपना हमारे व्यूवर्स को। बेबी देख रहे हैं ये सारी वीडियो किसके पास आएगी? मालूम नहीं पर और वो खुद बना भी सकते हैं। कि ये वाला ब्लॉग ही ना तीनों के चैनल पे आएगा, पहले एक मिनट का भी हो आएगा डन हो गया। तो ये देख सकते हैं इसने डेकोरेशन किया यहाँ, देख ये किस किस मुल्क का नक्शा बनाया है। ये हम लोग स्नो का खोलने वाले की माड़ी हमारा स्नो का खराब करना है। अम्माद भाई ने अम्माद भाई ने खराब कर दिया। सलामुअलैकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। सैफ और रेहान भाई, इलियास भाई यहाँ पे, और यहाँ पे अपने सोहेल भाई, और ये है हमारे ब्लॉगर मिराज। कोई देखे ना देखे, सभी तो देखते हैं। तो गाइस इन दोनों को पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ तो पहले की तरह अभी भी हमारी चाय ठंडी हो रही है, लेकिन हम पी लेंगे इस बार। हमारे मिराज भाई की भी ठंडी हो गई थी ना, बिल्कुल ठंडी हो गई है। खुद भी बोल लो यार, खत्म हो गई चाय। नहीं ऐसे ही तारीफ करो, आप पी कर ही बताएंगे ना ये कैसी लग रही चाय वगैरह। पी ली है सबने और अभी मोबाइल की बैटरी लो हो गई है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डे 3 9:40 पर। फ्रेंड आपकी जर्नी कैसी रही अब तक? हमारा फ्यूचर स्टार्ट ही अभी हुए। अब तो इतने पैकअप अब बारी है फूल पांडा की। अगर कल भी कोई न्यूज़ आ रही है ना, अगर अच्छा समझ गए, फूल पांडा का भी अभी वहाँ जाके बताएंगे। आओ जहाज में बेटा, हालत ख़राब हो जाएगी। हम सीवे पे आ चुके हैं और अभी चलते हैं हमारे दोस्तों के साथ। मौजूद पहले जहाज था उस साइड में था, अभी आ गए इस तरफ। अभी चलते हैं हम लोग देखने के लिए जहाज के हालत क्या है। आया तब साहब बहुत खराब चले, अभी देखते अभी क्या सीन है। तो चलो यार बेटा, चलो आप भी आ जाओ। The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony until one day a young man catches. तो ये सारा जो सेटअप किया हुआ है, ये सारी मशीन है जहाज को निकालने के लिए। यहाँ ये सारी जहाज को निकालने के लिए जो चीज़ है वो ये मशीन लगाई भी है यहाँ पे। इसकी मदद से जो है यहाँ से निकलेगा तो ये जहाज, ये वाला कुछ ऐसा सुनाए जो रूह को शाद करे। तो यहाँ पर चावल पड़े हुए हैं और ये जो आलू वगैरह काटे हैं, ये प्याज। इसका प्रोसेस शुरू हो गया है, तो इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आपको जो प्याज होती है वो ऑयल के अंदर लाल करनी होती है जितना आप करना चाहते हो। और इसके बाद जो सीन होता है, उसके बाद ये सीन होता है कि आप लोगों को करना पड़ता है जो टमाटर होते हैं और दूसरे जो इसके मसाले होते हैं, बिरयानी का पैकेट वगैरह मिलता है तो वो उसके अंदर डालने के बाद उसको मतलब पकाते हैं मसाले के साथ सब कुछ डाल के। और उसके बाद जो है ना उसमें आलू कटते हैं और आलू डालते हैं इसके अंदर। आलू जो है ना डलने के बाद उसको मतलब आलू और चिकन अभी डल चुकी है, तो वो प्रोसेस अभी स्टार्ट है कि अभी आलू और ये चिकन जो है ना पकेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक सालन बन जाएगा। और बाज लोग इसमें दही भी डालते हैं और कुछ लोग वो डालते हैं इमली वगैरह डालते हैं, वो कुछ नींबू भी डालते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा देखो वगैरह में। और गरम मसाला जो है ना पानी के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर डालते हैं चावल, तो चावल को उबाल लेते हैं पूरा उबल जाता है। उसके बाद एंड प्रोसेस जो होता है कि अभी जो सालन पक रहा है इसके ऊपर जो है ना चावल डालते हैं, तो फिर बिरयानी आपकी रेडी हो गई है। बस फिर 5-10 मिनट के लिए आप लोग उसको दम दे दो और
पाकिस्तान में बना रहे हो ना तो कलर ज़रूर डाल देना, तो पाकिस्तान में कलर के बगैर बिरयानी कहलाती ही नहीं है। तो ये सीन है, भी डाल देना, नमक नहीं भूल जाना। तो ये प्रोसेस होता है सारा। तो अभी इसको ढक देते हैं, ये पकता रहेगा। मसाले भी आगे वो भी अच्छे हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो। बाकी टमाटर एक दो डाल दो अपने जायके के हिसाब से, जितना डालना चाहते हो। मसाला भी जो पैकेट का होता है वही डलता है, और गरम मसाला अलग से लेना पड़ता है, ये डलता है। और बाकी तो आपके हाथ का कमाल है कि आपके हाथ की कितनी अच्छे जायके वाली चीज़ें बनती हैं।